सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ वाइस सिटी। तो गाइस, आज टॉमी है एक सुपर कार लेके जा रहा है अपने क्लाइंट से मिलने, और उसके क्लाइंट ने उसे बहुत ही जल्दी बुलाया है कि तू अर्जेंट है, मेरे को कुछ काम, तो फटाफट मेरे से मिलने। तो इसलिए टॉमी अपने होटल से निकल चुका है और ही इज़ गोइंग टू मीट द क्लाइंट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, टॉमी को अपने पैसे और ड्रग्स की तलाश है। इसके लिए वो वाइस सिटी में जो लोग हैं उन लोगों का सहारा ले रहा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम इंक्वायरी तो कर रहे हैं लेकिन वी नीड अ टाइम। तो गाइस देखिए, अब टॉमी इसलिए निकल चुका है और फटाफट वो, भाई ये बार बार यार टक्कर क्यों हो रही। तो गाइस, हम इस पुल को पार करते ही हम उस बंदे के पास पहुंच जाएंगे जिसने हमें बुलाया है, और देखते हैं कि वो हमें आज क्या करने को बोल रहा है, या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे हमारे पैसे और ड्रग्स का पता लग सके। तो भाई, हम लोग कार इधर साइड में पार्क कर देते हैं। सॉरी ब्रो, यू आर डेड। और यहाँ पे हम उससे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस, वो बंदा आ गया है जिससे हमें मीटिंग करनी है, और वो एक बड़ी सी कार में आया है। उसने हमें अंदर बुला लिया है। Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. तो यहाँ पे भाई कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। Now, the problem is this is all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt, and you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf. तो गाइस, यहाँ पे इस बंदे ने बताया है कि टॉमी को कंट्री क्लब में गोल्फ कोर्स में जाना है, और वहाँ पे एक बंदे को ठिकाने लगाने हैं, और उसने मेंबरशिप भी दे दी है। तो गाइस, टॉमी को अगर गोल्फ कोर्स में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे अपने लिए गोल्फ कोर्स के कपड़े खरीदने पड़ेंगे। इसलिए वो जा रहा है स्टोर पे अपने लिए गोल्फ कोर्स, गोल्फ से कंफर्टेबल कपड़े खरीदने के लिए, और उसके बाद वो जाएगा गोल्फ कोर्स में और उस बंदे से मिलेगा जिसको उसे मारना है। तो भाई, फटाफट हम पहुँचते हैं गोल्फ कोर्स के स्टोर पे, और यहाँ से टॉमी खरीदेगा कुछ कपड़े। तो भाई, फटाफट स्टोर में जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं अपने लिए। तो गाइस देखिए, टॉमी गोल्फ प्लेइंग गोल्फ वाले ड्रेस में कैसा लगता है। एंड नाउ उसे जाना है गोल्फ कोर्स में और उसको ढूंढना है, उस बंदे को जिसे उसे मारना है। तो भाई, यहाँ से गोल्फ कोर्स की दूरी बहुत कम थी और हम लोग गोल्फ कोर्स पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम इस कार को यहाँ पे पार्क करते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि ये कार यहीं पे क्यों पार्क करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं और मिशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, ये जो बंदा है जो गोल्फ खोल रहा है, इसी को गोल्फ खेल रहा है, उसी को हमें मारना है। तो भाई देखो, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमें अपनी जो गन्स है सारे यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे, इसलिए हम एक अलग रास्ते से जाएंगे जहाँ पे हमें अपनी गन्स जमा करनी नहीं पड़ेगी, और वो रास्ता है ये। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कार लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो भाई, फटाफट हम ये गोल्फ स्टिक ले लेते हैं क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और अब फटाफट देख लेते हैं कि हमारे पास अपनी सारी गन्स हमारे पास है या नहीं है। और भाई, फटाफट इस कार्ट में बैठते हैं और चलते हैं उस बंदे के पास जो खेल रहा है गोल्फ। तो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी मिशन है, और इसमें हमें उनके बॉडीगार्ड्स और उस बंदे को सबको मारना है, बिकॉज़ अगर कुछ भी हमसे छूटा तो वो बंदा बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ भागता है जिसको हमें मारना है। तो भाई, हम यहीं आसपास में अपनी जो कार्ट है उसे खड़ी कर देते हैं और हम यहाँ से फिर देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्लेस। तो गाइज, यहाँ पे मैं अपनी जो एक
दूरबीन वाली जो गन है उसको यहाँ से यूज़ करूँगा और उसके बॉडीगार्ड्स को यहाँ से मारूँगा, क्योंकि भाई ये बॉडीगार्ड्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। तो भाई ये लोग तो मर नहीं रहे हैं, तो मुझे इनको हेडशॉट मारना पड़ेगा जब ये लोग मरेंगे। देखिए इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो इन पे कुछ असर नहीं हो रहा है। तो भाई इनके सीधा सर पे निशाना मारते हैं और देखिएगा इस सर पे निशाना मारते हैं कैसे हो। तो भाई इनको पता लग चुका है कि कोई आ गया है, इसलिए मेरी तरफ ही दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो भाई मुझे फटाफट क्या करना है, उस बंदे जो ये देखिए ये जो हमारा टारगेट है ये अभी यहाँ पे कुछ देर घूमेगा और अगर इसको हम मार नहीं पाए तो ये बहुत ही तेज़ी से बाहर भाग जाएगा। तो भाई पहले हमें इन बॉडीगार्ड्स को मारना है और बॉडीगार्ड्स को मारने के बाद हमें उस बंदे को ढूंढना है कि वो जो हमारा टारगेट है, मेन टारगेट, वो कहाँ है। तो गाइज़ आप मैप में देख सकते हो जो येलो है वही हमारा टारगेट है। और ये देखिए ये भाई हमें ऐसे ही इधर घुमाता रहेगा इधर से उधर। तो हमें इसको देखना है कि अगर ये कहीं पे टकरा के गिर जाता है या मर जाता है तो हम इसको वहीं पे किल कर देंगे। अगर ये नहीं टकरा के कहीं इसकी गांठ वगैरह नहीं पलटती तो हमारे लिए उसके लिए दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। तो भाई ये बंदा तो बहुत ही तेज़ी से इधर उधर भाग रहा है और ये देखिए ये हमारे साथ गेम खेल रहा है लुका छुपी का। तो भाई हम क्या करते हैं कि इसको लुका छुपी का गेम खेलने देते हैं और हम इसका वेट करते हैं मेन गेट पे। मेन गेट पे हम इसका वेट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही वो आता है उसे हम मार देंगे। तो भाई सबसे पहले मुझे इन गार्ड्स को मारना पड़ेगा क्योंकि इनके पास गन है और ये मेरे पास आके मेरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखिए एक बॉडीगार्ड फिर से भागते हुए आ गया है। अब गाइस हमें यहाँ पे वेट करना है उस बंदे का। तो गाइस यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट से उसकी जो संभावना है वो दिख नहीं रही। तो फाइनली गाइस वो आ चुका है और अब यहाँ से जैसे ही वो कार्ड से उतरेगा हम उसे गोलियों से मार देंगे। अरे भाई भाई ये देखिए ये बहुत ही शातिर बंदा है और ये देखिए ये मेरे अगल बगल गोल गोल घूम रहा है ताकि मैं इसे टारगेट में ना ले सकूं और मार ना सकूं। तो गाइस मुझे यहाँ से लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये मुझे चकमा दे रहा है। और अब मुझे तो भाई देखिए गाइस ये बहुत मुश्किल से मरा है क्योंकि ये जस्ट गेट से बाहर भाग ही गया था। तो गाइस इस बंदे ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, इस वजह से मैं इसको 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहूँगा। और इसको इतना गोली मारने का मन कर रहा है कि इसको यहीं पे ही इसको जला दूँ मार मार। तो गाइस ये देखिए इस बंदे ने मुझे बहुत परेशान किया है, इस वजह से मैं इसको 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहा हूँ और इसको इसकी बॉडी ही मैंने ख़त्म कर दी इसको जला जला। तो गाइस आज का मिशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की ओर। तो गाइस यहाँ पे एक मुझे एक बहुत ही अमेजिंग कार मिली है, उस कार को लेके मैं जा रहा हूँ अपने होटल पे। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के बारे में थोड़ा बताइए और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी बताइए। और आपको वाइस सिटी का जो सीरीज है वो कैसा लग रहा है वो भी बताइए। तो हम कुछ ही देर में अपने होटल पहुंचने वाले हैं और होटल पहुंच के हमें फिर से रेस्ट करना है, अपने कपड़े क्लीन करने हैं और अपनी ड्रेस चेंज करनी है बिकॉज़ वी डोंट लुक गुड इन दिस गोल्फ ड्रेस। तो हम कुछ ही देर में अपने होटल में पहुंच जाएंगे और फिर हम अगले दिन करेंगे नेक्स्ट मिशन। तो गाइज मैं अब यहाँ से कुछ ही देर में, भाई ये देखो यार तेज़ गाड़ी चलाने का यही नुकसान होता है। तो मैं अभी कुछ ही देर में अपने बीच वाले रोड पे पहुंच जाऊंगा और बीच वाले रोड पे पहुंचने का मतलब है कि वी आर नियर बाय आवर होटल। तो फाइनली वी हैव ऑलमोस्ट रीच आवर होटल एंड वी विल पार्क द कार इन साइड फुटपाथ ऑफ आवर होटल एंड वी विल गो इनसाइड। तो फाइनली 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 हमारा होटल आ चुका है और कार मैंने फुटपाथ पे पार कर दी है और मैं जा रहा हूँ अपने होटल के अंदर।
तो गाइज़ आपने टॉमी का रूम देखा है कि इस होटल में टॉमी का रूम कहाँ है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉमी का रूम एग्जैक्टली इस होटल में कहाँ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं टॉमी के रूम के पास, एंड दिस इज़ द टॉमी रूम। तो गाइज़ हमें फटाफट अपने कपड़े क्लोथ चेंज कर लेते हैं। तो गाइज़ आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलती नेक्स्ट गेम प्ले में। टिल देन सी यू गाइज़।